हेलो एवरीवन वेलकम अगेन टू माय चैनल आज की रेसिपी है बेक्ड ओट्स किसी किसी को ना ओट्स खाना बिल्कुल पसंद नहीं होता अगर आप इस फॉर्म में खाएंगे ना तो आपको बहुत टेस्टी लगेगा तो उसके लिए एक जार में एक कप दूध लिया है मैंने नॉर्मल घर वाला ही दूध है ये आधा बनाना लिया है यानी कि केला आधा एक चम्मच कोकोवा पाउडर ऐड कर रही हूँ एक चौथाई चम्मच कॉफ़ी पाउडर ऐड कर रही हूँ ये ऑप्शनल है एक चौथाई चम्मच बेकिंग पाउडर और वन बाई एट्थ टेबल स्पून में ऐड कर रही हूँ बेकिंग सोडा दोनों ही ऐड करने हैं यहाँ पे मैंने तीन चम्मच शहद लिया है अभी एक दिख रहा है दो और चम्मच लिए थे एक चम्मच यहाँ पे मैंने पीनट बटर लिया है आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इन सबको हमें ब्लेंड करना है अब यहाँ पे एक कटोरी में मैंने दो टम्बलर ओट्स लिए हैं उसमें अब ये हम जितना भी हमने बनाया है ब्लेंड किया है आइटम अपना मिक्सी जार में उसको ट्रांसफ़र कर दिया और अब ये ओट्स वॉलनट हमारा है यानी कि बेकड ओट्स वॉलनट है तो मैंने यहाँ पे वॉलनट्स लिए हैं खूब सारे और उसे अच्छे से इसमें हम मिक्स कर देंगे आप इसकी जगह कैश्यू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आमउ्स का कर सकते हैं किसी भी चीज़ का कर, कर सकते हैं यहाँ पर मैंने वॉलनट्स इसलिए लिए हैं वो बहुत टेस्टी लगते हैं इसमें तो बस अब आप थो थोड़ा सा ऊपर से इसे गार्निश कर दीजिए आप चाहें तो आप इसमें चॉकलेट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं डार्क चॉकलेट ऊपर से ऐड कर सकते हैं चॉकलेट चिप्स ऐड कर सकते हैं तो अब आपको इसको माइक्रोवेव में वन एटी डिग्री सेल्सियस पे थर्टी डिग्री के लिए रखना है अगर आपका थोड़ा सा पतला लगेगा ना आपको बैटर तो आप फोर्टी डिग्री फोर्टी मिनट्स के लिए भी रख सकते हैं देखिए ये बन के बिल्कुल रेडी है अभी बहुत गर्म है और ये बहुत टेस्टी लगता है खाने में आप इसको कर्ड के साथ खा सकते हैं आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं ये बहुत टेस्टी लगता है तो अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई हो आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए अगर आपको ओट्स खाने पसंद नहीं है तो आपको ये ज़रूर अच्छे लगेंगे थैंक यू सो मच